अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एक दफ़ा फिर आपको सुबह ज़िंदगी इस प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। और जैसा कि हमने कहा था कि हम इस प्रोग्राम में आपके लिए नए नए सेगमेंट्स लेकर आएंगे, तो ये हमारा सेगमेंट्स आज कुकिंग के हवाले से है। इंशाल्लाह ताला हर हफ्ते हम आपको लाइव कुकिंग यहाँ से दिखाया करेंगे। आप हमारे साथ आज मौजूद हैं रबिया मीर, हम इनको खुशामदीद कहते हैं इस प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, थैंक यू। रबिया, आज आप बताइए कि आज आप पहली दफ़ा हमारे हिदायत के इस चैनल पे, इस किचन में तशरीफ़ लाई हैं, और इंशाल्लाह ताला आगे भी हम आपको ज़हमत देते रहेंगे। क्या आप आज हमारे लिए रेसिपी लेके आए, कुछ ऐसी रेसिपी कि जो कि जल्दी से बन भी जाए, और आजकल आपको पता है कि लोग बहुत ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस हैं, तो हम कोशिश ये करेंगे कि हेल्थी रेसिपीज़ उनके लिए लेकर आएँ। तो आप मुझे बताएं कि आज आप क्या रेसिपी जो है वो लेकर आई हैं। आज मैं बना रही हूँ रशीन सैलेड, और बिल्कुल इजी है, और वेजिटेबल्स भी यूज़ करें, फ्रूट्स यूज़ करें, हेल्थी है, और बच्चे भी शौक से खा लेते हैं इसको। और इजी, सबसे बड़ी चीज़ है कि इसको बनाना बहुत इजी है। आप जल्दी से, कोई भी गेस्ट आ रहे हैं तो आप इजीली इसको जल्दी से रेडी कर सकते हैं। और आजकल लोग बहुत ज़्यादा सैलड्स वगैरह जो हैं वो उसका शौक भी रख रहे हैं, और खाने में भी जो है वो आप देखते हैं जहाँ भी जाएं तो डिफरेंट मुख्तलिफ किस्म के जो है सैलड्स होते हैं, जर्मन सैलड्स है और बहुत सारे ऐसे इटालियन सैलड्स और बहुत सारे सैलड्स। तो ये आपने कहा कि आप बनाने जा रही हैं रशियन सैलड। चले, एक और जो है वो उसमें इजाफा हो जाएगा हमारी मालूमात में कि किस तरह बनता है। तो क्या स्टार्ट करेंगे, पहले बताइए कि क्या इंग्रेडिएंट्स हैं आपके पास। इंग्रेडिएंट्स बहुत सिंपल्स हैं, आप इसमें डिफरेंट चीज़ें और भी ऐड कर सकती हैं। फर्स्ट हमने लिए है कि कैरेट्स ले लें, अगर हम इनको यहाँ रख लें तो ज़्यादा बेहतर होगा इसके ऊपर। जी ठीक है, कैरेट्स ले लें। कैरेट्स आप चॉप का मतलब छोटे पीसेस कर लें इसको, और बॉईल कर लें या स्टीम कर लें, बेटर ये है कि आप स्टीम कर लें और उसके साथ आप बॉईल कर लें पीस, और आप फ्रोजन भी ले सकती हैं, वो भी अच्छे हैं। और टिन में भी मिलते हैं, टिन में? जी टिन में भी ठीक है, लेकिन बेटर होता है कि आप ज्यादा फ्रोजन ले लें, उनको स्टीम कर सकते हैं, ठीक है, उनकी शेप जरा वो खराब नहीं होती, यानी कि वो ज्यादा सॉगी से हो जाते हैं, सॉफ्ट हो जाते हैं, ठीक है। पाइनएप्पल ले लें, इसमें आप कीवी भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन कुछ लोगों को कीवी से या पाइनएप्पल से एलर्जी होती है, तो उसको चीज़ को आप नोट कर सकते हैं। आप एप्पल्स ले लें, इनको भी काट लें। और बड़ी चीज़ ये है, सबसे बड़ी बात कि आपने चीज़ों को सेम साइज़ में काटना है, क्योंकि उससे ज़रा आपका वो चीज़ ख़राब नहीं लगती है ज़्यादा। आलू ले लें आप, आलू ने बॉयल कर लें और उनको भी काट लें। मेयोनेज़ लेना है आपने, आप ले लें। कितनी मकदार होनी चाहिए, चीज़ों का तनासुब क्या होना चाहिए? मैक्सिमम 2 कप्स। अगर आपने मतलब एक कप चीज़ें ले रहे हैं, हर चीज़, अब गाजर आपने 1 कप लिया है, कैरेट्स आप मतलब दूसरी चीज़ें पीस 1 कप ले रहे हैं, तो उसके हिसाब से आप 1 कप चीज़ यूज़ कर सकते हैं। और डबल क्रीम है, डबल क्रीम भी आप 1 कप यूज़ कर लें। सैलरी आप डिपेंड करता है कि आप यूज़ करना चाहते हैं या नहीं। रेजन्स ले लें, यहाँ मैंने रेजन्स रखे हुए हैं, इसको भी हम थोड़ा सा चाहेंगे कि यहाँ पे आप कर लें करीब में, ताकि देख लें लोग हमारी नाजरी। रेजन्स रखे हुए हैं यहाँ पे हमने, क्योंकि रेजन्स एक वो खट्टा मीठा सा जो होता है टेस्ट, वो भी आ जाता है, स्वीट भी आ जाती है, सॉल्ट भी। हमने कॉस्टेड शुगर रही है क्योंकि ये जल्दी मेल्ट हो जाती है, और साथ में हमने रखा है कैशू नट्स हैं, और सॉल्ट ले लें। साथ में आप ब्लैक पेपर यूज़ कर लें। बच्चों का ध्यान रखिए कि बच्चे, समटाइम्स ये होता है कि बच्चे ब्लैक पेपर से या चिली थोड़ी सी होते हैं तो उनको नहीं पसंद करते, बिल्कुल बिल्कुल, सो इसलिए आप नोट कर लें ये चीज़ें। और आप अगर चाहते हैं तो आप स्वीट कॉर्न भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। स्वीट कॉर्न कोई भी, यानी कि कोई भी सब्जी और कोई भी फ्रूट सब्जी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। समटाइम्स जी वही है कि समटाइम्स इसमें लोग चने भी यूज कर सकते हैं, लेकिन ये डिपेंड करता है कि आप क्या चीज इस्तेमाल करना चाहते हैं। ठीक है, चले बिस्मिल्लाह करें। किस तरह की, यानी कि नाज़रीन आपने देख लिया कि तमाम इंग्रेडिएंट्स जो है वो आप इसको चेंजेस भी कर सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं अपनी पसंद के मुताबिक। पहले हम आलू काट लेते हैं थोड़े से, ठीक है। अच्छा, आपका ये मैं बताती चलूँ, तारुफ कराती चलूँ कि इनके डैड भी बहुत अच्छे जो हैं वो कुक हैं, बहुत अच्छे शेफ़ हैं इनके डैड। और तो क्या आपके डैडी ने आपको सिखाया है सब चीज़ें, या आपको शौक़ भी है? नहीं, मुझे शौक़ भी है एक्चुअली, तो घर में भी हम लोग ट्राई करते रहते हैं कुछ ना कुछ नई नई रेसिपीज ट्राई करती हैं। क्या फेवरेट ऐसी कौन सी रेसिपी है जिसमें आप कहेंगी कि यस आपको जो है वो कमाल हासिल है, यानी कि आप जो है बड़े कॉन्फिडेंट हैं उसको बनाने में? मेरा चिकन पास्ता, फिश भी, कबाब्स भी, सारा कुछ मतलब बना लेते हैं बिरयानी, तो ठीक। ये डिपेंड करता है कि आपका खुद इंटरेस्ट इसमें है या है नहीं है। अब ये सारी चीज़ें जो है वो हम आपसे यहाँ पर भी बनवाएंगे। नहीं, ज़रूर इंशाल्लाह, इंशाल्लाह ताला। तो अब ये है आलू जो है, ये आपने बॉईल कर लिए हैं? जी, आलू बॉईल कर लें, इसका पील कर लें, ठीक। उसके बाद ये साइज ही रखें तो ज़्यादा वो, इस तरह ये कि छोटे होंगे तो एक सेम साइज़ में भी आ जाएंगे और
इतने बुरे भी नहीं लगते। और आजकल तो आलू को बॉईल करने का भी जरूरत नहीं है, आप माइक्रोवेव में रख दें तो फटाफट जो है वो 3 मिनट में। जी नॉर्मली वैसे मैं घर पे क्या करती हूँ कि मैं ज्यादा चीजों को स्टीम करती हूँ, ठीक है, क्योंकि उससे हेल्थियर वे भी होता है। बिल्कुल बिल्कुल, जाहिर बात है जो न्यूट्रिएंट होते हैं वेजिटेबल्स या उसके क्या कहते हैं वो जाया हो जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ रखे रखे ही जो है वो उनके विटामिन जाया हो जाते हैं सनराइज से, तो बहुत अच्छी बात है स्टीम में वो प्रिजर्व हो जाते हैं विटामिन। जी बिल्कुल, हम एक बोल लेंगे और हमें ये चीज़ें हमको ये चीज़ें इस बॉल में सारी मिक्स कर लेंगे, मिक्स कर लेंगे, ठीक है। और माशाल्लाह से नाजरीन हमारी रबिया जो हैं वो यंग मम भी हैं, जॉब भी करती हैं और बहुत ही टैलेंटेड लड़की हैं कि हर चीज़ को बैलेंस करके जो है वो चल रही है। एक्चुअली होना भी चाहिए, एक्चुअली इसमें थोड़ा सा पानी है मैं निकाल दूँ। अच्छा, तो आप अपनी बच्ची के लिए भी जो है वो इस तरह की हेल्थी चीज़ें बनाती हैं, आपकी बच्ची को भी जो है वो शौक है? वो भी शौक है माशाल्लाह से, वो भी खाने में शौकीन है और वो भी कहती हैं कि हमें आज ये खाना है। ओह वाह जी, उसको भी कुकिंग का भी शौक है, आप साथ साथ उसको कुकिंग भी सिखा रही हैं? जी कुकिंग भी उसको शौक है माशाल्लाह से, कपकेक्स बनाती है साथ में माशाल्लाह माशाल्लाह। और ये बहुत अच्छी बात है रबिया, मैं ये देखती हूँ कि आजकल बच्चों को जो है वो और इवन टीनएजर्स को जो है वो बिल्कुल भी कुकिंग जो है वो नहीं आ रही है। ये होना चाहिए बच्चों में, हम लोगों को बचपन में इनको ट्रेन करना चाहिए कि कैसे ये, क्योंकि हमारे सोसाइटी में भी है, क्योंकि एक बच्चे को आना चाहिएगा तभी वो आपके साथ कम से कम थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ तो हेल्प। बिल्कुल बिल्कुल, और ये कि फिर बच्चों को पता भी चलता है कि कैरेट्स का टेस्ट ही होता है, क्योंकि देखिए आप बचपन में आप देख आपको भी आप पाकिस्तान से आपका ताल्लुक है तो आपने देखा होगा पाकिस्तान में जब कैरेट्स बन छीली जा रही है तो उठा के खा लेते थे, तो उससे बच्चों के बचपन ही से टेस्ट आ जाता है मुँह में। सही, ये भी चीज़ें होती है। अभी हम इस सबको मिक्स कर लेंगे, यानी आप इसमें आपने जो है वो ये सारे हमने जितने भी इंग्रेडिएंट्स थे अभी इसमें मतलब वेजिटेबल्स और फ्रूट्स भी डाले हैं, ठीक, हम लोग इसमें शुगर और रेजन्स डालेंगे। रेजन्स में डाल देते हैं, रेजन्स जो है वो अगर आप चाहें तो किशमिश भी डाल सकती हैं या कुछ कुछ भी डाल सकती हैं, इससे वो एक सोल्टी सा और स्वीट टेस्ट जो मिक्स अप होता है ना। और अगर आप ये भी आपको वरी नहीं करना चाहिए कि जब अगर शुगर ज्यादा हो गई है तो ये नहीं आप सोल्ट कर सकती हैं, अगर सोल्ट ज्यादा हो गया तो उसमें शुगर कर लें तो वो इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं होगी। ये लीजिए, थैंक यू। शुगर आप इसमें थोड़ी सी शुगर, और अगर ना भी अगर शुगर डाले तो कोई मुझाएगा नहीं, नहीं, हाँ। नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी फ्रूट्स में शुगर होती है। बिल्कुल जी जी, ये सब। और फिर आपने रेजन्स डाले उसमें भी शुगर है जी। अभी कैशू डाल देते हैं, कैशू नट्स डाल रहे हैं, तो यानी कोई भी नट्स डाल सकते हैं लेकिन क्योंकि ये सॉफ्ट होते हैं मेरा ख्याल है ज्यादा सॉफ्ट होते हैं। जी जी, ये मैं सारे डाल देती हूँ क्योंकि मुझे पसंद है। और थोड़ा सा अब ये जो है आप डालेंगे इसके अंदर ब्लैक पेपर, ब्लैक पेपर, ये देख लीजिएगा कि आपके बच्चे कितना पसंद करते हैं। ये डिपेंड करता है कि आपके घर में ये हस्बे जायका ही है। इसमें डबल क्रीम डाल, तो अब ये बताएं मुझे, ये भी थोड़ा सा बताइए कि इसको किस चीज़ के साथ, यानी कि ऐसे खाएंगे या किस चीज़ के साथ खाएंगे? ये एक्चुअली जितने भी सैलड्स हैं नॉर्मली ये आजकल स्टार्टर्स में यूज़ हो रहे हैं। ओके, कोई गेस्ट आ रहा है आप कोई भी चीज़ साथ में अगर आप बना रहे हैं कबाब बना रहे हैं समोसे बना रहे हैं डिफरेंट चीज़ें तो उसके साथ आप सैलड भी रख सकते हैं, सैलड भी रख सकते हैं, ये हेल्थियर ऑप्शन होगा समोसे पकौड़ों से। आजकल तो पास्ता भी डालते हैं लोग, इसमें पास्ता भी सबसे बड़ी चीज़ है कि पास्ता डाल सकते हैं आप इसमें। और अगर मैक्रोनीज हैं तो अगर पास्ता या मैक्रोनीज डालना चाह रहे हैं आप तो उसमें थोड़ा सा पहले ऑयल डालेंगे, सोल्ट डाल के उनको पहले बॉईल कर लें, फिर उसको ये कि ठंडे पानी में से निकाल लेंगे तो फिर ये वो पास्ता जुड़ेगा नहीं, तो ये ऑप्शन होता है। बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो कि चूज कर सकते हैं नाजरीन आप। और हमारी ख्वातीन आज सैटरडे है तो वो सोच रही होंगी कि आज सैटरडे है बच्चों के लिए क्या बनाना चाहिए, तो क्या कहते हैं ये एक बड़ी वो होती है मुश्किल के जब उठते हैं कहते ओह आज क्या बनाएं, आज क्या बनाएं घंटे इसी में सर्फ हो जाते हैं। तो यार नाजीन देखे हमने आपके लिए आसानी कर दी, हर सैटरडे को हम इंशाल्लाह ताला एक रेसिपी लेके आएंगे कि आप सुबह उठते के साथ ही आपको सोचने की जरूरत ना पड़े, आप देखें हिदायत टीवी और आपको पता चल जाए कि आज सैटरडे मॉर्निंग में आपने क्या चीज़ बनानी है। जी, और अभी ये मैंने इसमें डबल क्रीम भी ऐड, डबल क्रीम, सिंगल क्रीम जो होगी थोड़ी सी रनी हो जाएगी इसलिए नहीं डाली आपने, ठीक है। और बाकी सैलड्स में ये हो जाता है कि अगर आपने डबल क्रीम ऐड कर रहे हैं, डिशिन में नहीं है लेकिन बाकी कुछ सैलड्स ऐसे भी हैं जिनमें अगर आपने डबल क्रीम डाली है तो उसमें आप योगर्ट या सॉरी योगर्ट भी डाल जाता है, और ये है कि उसमें आप ठीक है अगर तो उसको दूध में भी थोड़ा सा दूध डाल के थोड़ा सा सेक कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, हम लोग अभी मिक्स कर देते हैं।
वाओ कितना कलरफुल लग रहा है। अगर आप इसमें चाहें तो अनार के दाने भी मेरा ख्याल है मिक्स कर सकते हैं। अनार के दाने, ये डिपेंड करता है कि आप इस पे क्या डालना चाहें। स्वीट कॉर्न का टेस्ट इसमें बहुत अच्छा आता है, तो मैं नॉर्मली घर पे भी स्वीट कॉर्न उसमें ऐड करती हूँ। बाज लोग जो है मेरा ख्याल है रेड किडनी बीन्स वगैरह भी मैंने देखे के इस्तेमाल करते हैं। जी जी ठीक है। तो यानी तो ये तकरीबन मेरा ख्याल है कि 10, अगर आपके पास सारी चीज़ें आप बना के इसको रख दें, जैसे कि वो प्लास्टिक के कंटेनर्स होते हैं उसमें आप पहले से बॉईल करके चीज़ें रख दें, तो जैसी मेहमान आए आप फौरन मिक्स करके बना सकते हैं। बना सकते हैं, बहुत इजी डिश है और एक आपके पास एक ऑप्शन हो जाता है चीज़ों में कि। और ये ऐसी चीज़ है कि जैसे आपने कहा कि स्टार्टर में जो है वो इस्तेमाल होती है, तो लोग फिर ये है कि, और बड़ी बात बच्चे भी पसंद करते हैं। हाँ जी, आप मुझे सॉल्ट है ये जी जी मैं थोड़ा सा डाल देती हूँ। और ये सर्विंग बॉल, बेस्ट तरीका ये है कि अगर आपने ये बनाया है तो उसको थोड़ी देर के लिए आप फ्रिज में रख दें। राइट ओके जी, थोड़ा सा वो ठंडा हो जाए तो उसके बाद आप सर्व करेंगे, तो वो उसमें ये है कि वो जो क्रंची भी टाइम उसमें होता है कैशू में खत्म हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा, थोड़े वो सॉफ्ट हो जाएंगे। और अगर आपने इसमें पहले से उनको भिगो कर रख दें, जल्दी में करना है तो भिगो कर रख दें गर्म पानी में, तो वो भी अच्छा है। और नाज़रीन ये पता चले कि नट्स में बहुत अच्छे जो होते हैं वो फैट्स होते हैं जो हमारी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने खानों में अपने जो रोज़मर्रा के आप जैसे स्नैक्स लेते हैं हम, ये सबसे बेहतरीन स्नैक है जिसके अंदर के आपको इसेंशियल ऑयल्स भी मिल रहे हैं और टेस्ट में भी अच्छे हैं और आपके दिमाग के लिए भी जो है वो ओमेगा थ्रीज और ओमेगा सिक्सेस जो है ऑयल्स चाहिए होते हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको जो है नट्स सीड्स वगैरह से हासिल हो सकती हैं। बिल्कुल, तो ये हम इसको सारा ऐड कर देते हैं इस बाउल में। वाओ ये ज़बरदस्त जो है। अब आप गार्निश करने के लिए ऊपर से आप जो है वो सैलेड के कुछ लगा सकती हैं, सैलेड के पत्ते रखे हुए हैं। हाँ मैडम जी थैंक यू, तो हम ये इसको सैलेड के पत्ते भी हैं नीचे मेरा ख्याल है। तो इसके ऊपर सजा सकते हैं आप जी, इसको स्मॉल पोर्शन में भी कर सकते हैं या फिर इसको काट के बारीक काट के, कुछ लोग पसंद करते हैं कि इसके अंदर भी डाल दें। अच्छा इसके अंदर भी जो है, लेकिन वो उसका ज़रा डिफरेंट टेस्ट आ जाएगा क्योंकि वो डिफरेंट सैलड्स की डिफरेंट एक रेसिपी होती है। ठीक ठीक ये कि आप अब हम चाहेंगे कि हमारे कैमरामैन भाई जो है वो ज़रा क्लोजअप ले लें इसका, कि ये जो है ये डिश तैयार हो गई है एक ज़बरदस्त। तो बहुत शुक्रिया आपका, और मैं यहाँ चाहूँगी कि हम जो है वो इसका टेस्ट करेंगे इंशाल्लाह ताला। जी ज़रूर, लेकिन यहाँ पर हम शुक्रिया अदा करते हैं अपनी बहन रबिया का, तो इंशाल्लाह ताला आपसे फिर मुलाकात होती रहेगी। बहुत शुक्रिया कि आपने टाइम निकाला और इतनी अच्छी सी हमें डिश जो है वो बना कर दी है। तो नाज़रीन आप हमें अपनी फीडबैक दीजिएगा कि आपको हमारा ये सेगमेंट कैसा लगा, और अगर इस सेगमेंट में आप जो है कुछ नई रेसिपी कोई भी जो है वो डालना चाहते हैं या अपनी रेसिपी हमसे शेयर करना चाहते हैं तो आप ज़रूर हमें फ़ोन करें और हमारे प्रोग्राम में कॉल इन करके बताइए, तो इंशाल्लाह ताला आपकी जो है जो भी रेसिपी होगी हम यहाँ पर अपने हिदायत टीवी पर ज़रूर जो है उसको लोगों के साथ शेयर करेंगे। और यहाँ पर शुक्रिया अदा करते हुए हम एक शॉर्ट ब्रेक की तरफ चलते हैं, इंशाल्लाह ताला मिलते हैं आपसे एक ब्रेक की तरफ के बाद।